गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। टॉपिक का सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है? ऐसे आप हेडिंग देख लिए कि हमें क्या पढ़ना है आज, ठीक है? आज हमें क्या बताया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि आज हमें क्या भारती सर बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो उसका टॉपिक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा उस टॉपिक का नाम है बी जे टी। हाँ, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, इसका फुल फॉर्म होता है, यस, बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग, बाइपोलर, दूसरा शब्द है जंक्शन, दूसरा शब्द है जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हम लोग का फुल फॉर्म हुआ बीजेटी का, ठीक है? ऑनलाइन वाले के लिए भी ये वीडियोज़ है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, बट कुछ बच्चे को बैठा लिया हूँ ताकि मेरे को फील ज़्यादा आए, ठीक है? फील समझते होंगे आप लोग, हाँ, फीलिंग्स आए। फीलिंग्स आने का मतलब ये होता है कि जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स होता है, इसीलिए मैंने आपको इसमें वीडियोस बना के देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो कि रात के एकदम शांत समय में एकदम बनाते हैं, ठीक? तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। चलिए, तो बीजेटी क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर की दुनिया में सबसे पहला यही बना था, इसलिए बोलचाल की भाषा में सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोई बोला ट्रांजिस्टर पढ़े हो, इसका मतलब बीजेटी ही होता है। ऐसे ट्रांजिस्टर एक अलग वर्ड है, ट्रांजिस्टर के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में बीजेटी को ही ट्रांजिस्टर कह दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कहे ट्रांजिस्टर बताओ, तो ट्रांजिस्टर को बताओगे कि बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। एक का नाम है बीजेटी, जो भी पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है एफईटी, एक का नाम है यूजेटी, ठीक है? फेट के अंदर ही मॉसफेट आता है बाबू, अगर आप फेट पढ़ेंगे तो इसमें जेफेट नज़र आएगा और एक नज़र आएगा मॉसफेट नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपको बीजेटी के अंदर, बीजेटी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर तीन लोग दिखेंगे, यूजेटी सिलेबस में नहीं है, आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है? फिलहाल हमें बीजेटी भी पढ़ना है और एफईटी भी पढ़ना है, तो डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बाद तो अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर ये तीन शब्दों को समझाइए, क्योंकि हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ाया जा रहा है। कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ाया जा रहा है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसमें तीन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, अगर इन तीन शब्दों को समझ जाएंगे तो काफ़ी हद तक चैप्टर समझ में आने लगेगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है। चलिए एक एक करके शब्द को समझते हैं, तीनों शब्द को तोड़ देते हैं। पहला शब्द है बाइपोलर, कौन शब्द है? यस, बहुत अच्छा। दूसरा शब्द है जंक्शन, क्या शब्द है? यस, जंक्शन। और जो तीसरा शब्द है उसका नाम है ट्रांजिस्टर, ठीक है? ट्रांजिस्टर, तीसरा शब्द है ट्रांजिस्टर, एग्जैक्टली। तो हमारे पास कुल मिलाकर के तीन शब्द नजर आते हैं बीजेटी में। अगर आप इन तीनों शब्दों को समझते हैं तो काफी हद तक बीजेटी ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक एक करके सब शब्द के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को लगा आपको ट्रांजिस्टर ही समझ लेना चाहिए, ये शब्द आया कहाँ से। तो एक बात पहले क्लियर कर दूँ, साइंस में, साइंस समझते हैं आप लोग, हाँ, विज्ञान में, साइंस में, ठीक है, साइंस में, ठीक है, साइंस में जो है जो भी शब्द आप लिखेंगे इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है? हिंदी नहीं है कि लोटा लिख दिया, संधि विच्छेद किए, लो अलग और टा अलग, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, नहीं। साइंस में कोई भी शब्द लिखने से पहले, बनाने से पहले वो लोग समझते हैं, या उसका संधि विच्छेद भी कीजिएगा तो मिला जुला ऐसा कुछ मतलब निकलेगा। जैसे ट्रांजिस्टर किसी शब्दों से मिलकर बना है, दो या तीन शब्दों से मिलकर बना है, सर किससे बना है? तो सुनिएगा, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? बढ़िया से समझिए, पहले देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? समझिएगा, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, टी आर ए एन, क्या हुआ? ट्रान, ट्रान लिखा हुआ है ना, हाँ, ट्रान, ठीक है? उसके बाद एस, देखिए क्या लिख रहे हैं, एस एफ ई आर, पढ़िए पूरा जरूर, लेकिन थोड़ा डिजाइनदार तरीके से लिख दिए, हाँ, ट्रान अलग, फर अलग, एनी टोल में जोड़िएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। अब सुनिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, आर ई,
क्या लिखा? SISTOR। देखिए, अगर मैं इस शब्द को देखूं तो ट्रांसफर शब्द है, और इस शब्द को देखूं तो रेसिस्टर शब्द है। अगर मैं ट्रांसफर में से ट्रान शब्द, छोटा सा ट्रान को निकाल लूं, और रेसिस्टर में से सिस्टर निकाल लूं, और इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो फिलहाल हमें एक शब्द मिलेगा, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को छोड़ के इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांसफर और रेसिस्टर। इसका मतलब प्रतिरोध का बदलाव जहां होने लगेगा उस डिवाइस का नाम होगा ट्रांजिस्टर। यस, प्रतिरोध का बदलाव। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने? प्रतिरोध का बदलाव। अभी नहीं समझ में आएगा कि प्रतिरोध का बदलाव कहां हुआ, तो हम लोग अभी चैप्टर में अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इतना पता चला कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें प्रतिरोध का बदलाव होने वाला है। यस, चलिए, तो हो गया एक प्रतिरोध का बदलाव का बात, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। ये चलिए सर, इस शब्द का मतलब समझ गए। आगे बढ़ते हैं, शब्दों के माया जाल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही शब्दों के माया जाल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, दूसरा शब्द आता है जंक्शन। कौन सा? इसके बारे में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में डिस्कस कर चुके थे, पीएन जंक्शन डायोड में मैंने बताया था कि देखो, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं, तो बीच में एक लेयर बनता है जिसे जंक्शन कहते हैं। कौन-कौन सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं? पी टाइप और एन टाइप। जंक्शन बनने के लिए पी और एन का होना आवश्यक है। यस, इसका मतलब इसमें भी पी और एन को मिलाया जाता होगा, इसका मतलब इसमें भी जंक्शन बनता होगा, यानी जंक्शन होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। चलो, जंक्शन का मतलब भारती सर यही बोले, पी और एन को मिलाने पे बीच में एक लेयर बनेगा जिसे डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, उसी का नाम जंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर एक शब्द और आया, इसको भी समझाइए, बाइपोलर। क्या यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा और फोटो बना देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, पी और इधर हाँ एन, आपको बीच में एगो जंक्शन बनेगा। अरे हाँ जी, फिर एगो पी बनेगा, और आपको अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, इसमें दो को जंक्शन होता है। अभी पढ़े नहीं है आप, तो अभी जानते नहीं है, फिर भी हम अभी बता दिए कि इसमें दो जंक्शन होगा, क्योंकि जहां भी पी और एन मिलेगा वहां एक जंक्शन बनना ही है, एक जंक्शन बनना ही है। यस, ठीक है, यहाँ भी जंक्शन बनेगा, यहाँ भी जंक्शन बनेगा। अरे हाँ जी, यस, यानी अभी तो कुछ देखे ही नहीं है सर, अभी तो खाली हम इंट्रोडक्शन शब्दों के माया जाल से बाहर निकल रहे हैं। अभी आते हैं बाइपोलर। सर बाइपोलर मतलब, फिर इसको संधि विच्छेद कर दिए, बाई अलग कर दिए, प्लस पोलर अलग कर दिए, एकदम सही बात है। बाई और पोलर दो शब्द है मेरे पास, बाई और पोलर। बाई मीन्स टू होता है, बाई मीन्स टू होता है, एकदम एग्जैक्ट सही बात बोला आपने। बाई मीन्स होता है, बाई मीन्स क्या होता है? टू होता है, बाई मीन्स। अच्छा, लेकिन सर पोलर मतलब क्या होता है? ध्रुव, तुम लोग जानते हो। हाँ, ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव होता है। पोलर का मतलब समझाओ, पोलर का मतलब समझाओ, ठीक है, पोलर मतलब समझाओ, जल्दी बताओ। ठीक है, बाई पोलर, बाई पोलर, सोचो सोचो सोचो, यहां पर ध्रुव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दो, नहीं दो जंक्शन को नहीं, जंक्शन अलग शब्द है। पोलर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, अभी हो सकता है इसमें से किसी बच्चे को नहीं पता हो, तो ऑनलाइन वाले जो देखेंगे उनको भी नहीं पता होगा, अगर होगा तो पढ़े लिखे होंगे कहीं ना कहीं से। चलिए, तो यहाँ पर पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज कैरियर। क्या मैंने बोला? हाँ, पोलर का मतलब क्या बोला मैंने? चार्ज कैरियर। क्या बोला? चार्ज कैरियर, एकदम करेक्ट, चार्ज कैरियर। तो आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम है होल, वैकेंसी या होल। इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, यस एग्जैक्टली। तो वैसे डिवाइस जिसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर का भागीदारी होता है, सुनिए 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 क्या बोले, वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर करंट फ्लो कराने में मदद करते हैं उसे बाइपोलर कहते हैं। क्या बोले, फिर से सुने, फिर बोल रहे हैं, वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, ठीक है, दोनों के दोनों चार्ज कैरियर भागीदारी निभाते हैं करंट फ्लो कराने में, करंट फ्लो कराने में भागीदारी दोनों की रहेगी, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी, वैसे डिवाइसेस को बाइपोलर कहते हैं। जब इसको पढ़ा रहे थे
तब वे को लड़का बोला जब बाइपोलर आया है तो जरूर यूनिपोलर भी आया होगा सर। सोच के वो दिमाग लगाया, बोला हो सकता है सर यूनिपोलर भी आया होगा। ठीक है, क्या कहते हैं आप? हम बोले एकदम सही बोलता है तुम। ठीक है, यूनिपोलर भी एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? यूनिपोलर। अब बताओ बाई मीन्स टू और यूनि वन है। यस, मतलब इसमें हम डेफिनेशन क्या दिए? दो तरह के चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों भागीदारी निभाते हैं, दोनों की भागीदारी होगी। अरे हाँ जी, दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? बाइपोलर। लेकिन वैसा कोई डिवाइस जिसमें कोई एक का पार्टिसिपेशन होगा, एक का मतलब भाई या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, या बोल रहा हूं मैं, या अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो होल नहीं होगा, होल हुआ तो इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। तो आपको यहाँ पर यहाँ तुरंत बता सकता हूँ, जो फेट है, ये फेट भाई साहब है, ये यूनिपोलर के एग्जाम्पल में आते हैं, और बीजेटी भाई साहब बाइपोलर के एग्जाम्पल में आते हैं। फिलहाल जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे हम आपको दोनों के बारे में और डिटेल भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर शब्द आया है बाइपोलर और यूनिपोलर, इसलिए मैंने बाइपोलर और यूनिपोलर को आपको समझाया। तो अभी तक हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ नाम को समझ रहे हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तीन शब्दों से मिलकर बनने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें बाइपोलर का मतलब है, मतलब इस ट्रांजिस्टर में दोनों चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। अब कैसे दौड़ेंगे नहीं पता, जब तक चैप्टर में नहीं ले जाएंगे तुमको नहीं पता कैसे दौड़ेंगे, नहीं पता। ठीक, दूसरा इसमें जंक्शन बनता है, ये दूसरा बात हुआ, और तीसरा इसमें प्रतिरोध का बदलाव होता है। ये तीन बात इस डिवाइस में होती है, इसलिए इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण हम लोगों ने इसका नाम रख दिया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया बीजेटी। बीजेटी, इतना तो क्लियर हो गया, नाम तो समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे, अब आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने तीन शब्द को समझा, अब आते हैं इसके पीडीएफ पे। पीडीएफ भी हम लोग थोड़ा देख ले कि पीडीएफ कैसा दिखता है। ठीक है, आई थिंक पीडीएफ आपके सामने है, थोड़ा पीलापन लिए हुए पीडीएफ है, जानबूझ के पीलापन किया गया है। जो ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे उसको पीलापन दिखेगा, आप लोगों को भी हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रांजिस्टर शब्द ने छोड़ दिया गया है, तो आपका काम क्या रहेगा कि आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर शब्द लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखने की बात कह देता हूँ, ट्रांजिस्टर शब्द लिख लेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे ट्रांजिस्टर शब्द, क्या लिख देंगे? ट्रांजिस्टर, टी आर ए एन एस आई एस टी ओ आर, यस, ट्रांजिस्टर शब्द आप लिख लेंगे, तो पूरा नाम हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहला पॉइंट, जो जो पॉइंट बोल रहे उसको ध्यान से सुनना, बीजेटी, बीजेटी इज ए थ्री लेयर थ्री टर्मिनल एंड टू जंक्शन डिवाइस, टू जंक्शन। अच्छा, एक और शब्द हम इसमें जोड़ देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, छूट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन सा है? यस, तो आप अपने से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बीजेटी में तीन लेयर होते हैं, बीजेटी में कितने लेयर होते हैं? अच्छा, बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलिए बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा हो सकता है समझ में आ जाए, बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और दूसरा पेज लेते हैं हम लोग, दूसरा पेज में आते हैं, ओके, दूसरा पेज में आते हैं और यहां पर हम आपको, ठीक है, ले रहे, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बोला बीजेटी के पास तीन लेयर होता है, कितना लेयर होता है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, तीन टर्मिनल होता है, कितना टर्मिनल होता है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। और दो जंक्शन होता है, कितना जंक्शन होता है? यस, दो जंक्शन होता है। फिलहाल हमारे पास ये तीन शब्द नजर आ रहे हैं, तीन लेयर होता है, तीन टर्मिनल होता है और दो जंक्शन होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये तो नाम अब बताए तो हम रट रहे हैं, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया, चलते थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आप याद कीजिएगा कि हमें अभी तक कितने सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए हैं, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए कौन कौन सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है बताओ जी, तो ऑनलाइन वाले कितने सेमीकंडक्टर का, दो, कौन कौन? वो तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, उससे तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाते थे, आपको याद है, उसको गर्मी में टेम्परेचर देना पड़ता है, प्योर और इम्प्योर,
इम्प्योर से भी नहीं बनता था, इम्प्योर के दो टाइप होते थे, कौन कौन? यस, एन टाइप और हाँ, तो एन टाइप और पी टाइप से ही दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है। एकदम कसम खा लो आज से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना होगा तो हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना होगा। कौन कौन बोले? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो साइंटिस्ट लोगों के पास दो ही सेमीकंडक्टर था, तो लोग क्या किया, दोनों को मिला दिया। तो एक आदमी बोलता है, तो दोनों मिलाया तो बन चुका है जी, तो पीएन जंक्शन डायोड है ना। बोला ठीक, तब तो फिर क्या करे, तीन लेयर कैसे बनाए? हम बोले एक और पी इधर लगा दो, लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? एकदम लगा सकते हैं। लेकिन एक आदमी बोला, तुम गलत कर रहे हो, इधर काहे लगा रहे हो, इधर देखो ये पी है ये एन है, इधर तुम एन लगा दो। अरे हाँ या ना, मेरी मर्जी है, मेरा बोर्ड मेरा मार्कर, हम इधर एन लगाएं क्या इधर पी लगाएं? लग सकता है ना। हाँ, जैसे तुम कहोगे इधर पी लगा दो, तो हम ये भी बोलेंगे हम इधर एन लगा दो। बस एकदम, इससे ट्रांजिस्टर के तीन लेयर दिखाई देने लगे, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। लेयर समझते हैं? लेयर समझते हैं? अरे परत समझते हैं? एक परत हाथ ही एक परत हुआ, इसके ऊपर ही दूसरा परत हुआ, फिर इसके तीसरा परत, ऐसे एक के ऊपर एक लगा रहे उसको परत बोलते हैं। इसको ऐसे टेढ़ा कर दो ना, देखो एक दो तीन लेयर नजर आएगा। इस तरीके से हमारे पास तीन लेयर दिखाई देने लगे। इससे एक और बात पता चला कि इसका दो प्रकार होगा। कितना प्रकार होगा? आगे चल के पढ़ेंगे तीन लेयर कौन कौन होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एन पी एन और पी एन पी। बस वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एन पी एन और पी एन पी दो लेयर, तीन दो टाइप होंगे और तीन तीन लेयर होंगे। क्लियर? अभी बात सोचो, जैसे तुम्हारे पास डायोड पढ़ रहा था, तो डायोड पढ़ते समय तुम दो गो लेयर बनाता था, तो तुम इधर वाले लेयर से एक लेयर से एक तार खींच देता था, दूसरा वाला से एक तार खींच देता था, दो गो लेयर दो गो तार, इसमें कै गो लेयर? तीन लेयर तीन तार, तार मतलब टर्मिनल। हाँ, तो एक तार इधर से निकलेगा, एक तार इधर और एक तार। अब एक लड़का सोच रहा होगा, वीडियो वाला तुम लोग भी सोच रहा होगा, सर नीचे काहे की ऊपर काहे नहीं, है ना? तुम्हारा मन, मार्कर मेरा बोर्ड है, इस्लाम नीचे किए, तुम्हारा मार्कर कलम रहेगा तो ऊपर कर देना, नीचे हटा देना, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारे मर्जी पे चलेगा, ठीक है। लेकिन हर लेयर में, हर मतलब मटेरियल में एगो टर्मिनल निकलेगा, तो इससे एगो निकला, इससे एगो निकला, इससे एगो निकला, तो कैगो टर्मिनल? अरे तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो अभी नाम। पहला वाले का नाम होगा इमीटर, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इमीटर। क्या नाम होगा? यस। दूसरा का नाम बेस, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? यस। दूसरा का नाम क्या होगा? बेस। इमीटर, बेस। और तीसरा का नाम क्या होगा? कलेक्टर। क्या नाम होगा? यस, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये नाम एकदम याद कर जाओ, अभी फिलहाल नाम याद करो। क्या होता है इसका मतलब, वो थोड़ा देर बाद सीखेंगे ही, वो मेरा काम है। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसके बाद तुम्हारे पास कुछ कहानी बच जाएगा या क्वेश्चन बच जाएगा तो बोलना। इमीटर क्या होता है बाद में समझेंगे, बेस क्या होता है बाद में समझेंगे, कलेक्टर क्या होता है बाद में समझेंगे, ठीक है। जैसे हम गए थे अपने चाचा जी के पास, तो पापा जी बोले देखो ये चाचा जी हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले पहले हमको इंट्रोडक्शन करा दिए, पहले ही थोड़ी जो बताने लगे, देखो ये चाचा जी हैं, ये मोटे हैं, ये कम खाते हैं, ये ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, ऐसे तो नहीं बोले, पहले इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ये तीनों का नाम आपको पता चल गया, लेकिन इन तीनों का क्या प्रॉपर्टीज़ है वो धीरे धीरे अंदर जाने पर पता चलेगा। फिलहाल हो गया तीन लेयर तीन टर्मिनल। हाँ, आपको बताया था जंक्शन, जहाँ भी पी और एन होगा, जहाँ भी पी और एन होगा, जहाँ भी पी और एन होगा वहां क्या बनेगा? जंक्शन। तो कैगो जंक्शन बनेगा? हाँ, कैगो जंक्शन बनेगा? दो जंक्शन, जंक्शन नंबर J1 और जंक्शन नंबर J2, जंक्शन नंबर J1 और जंक्शन नंबर J2, दो ठो जंक्शन बनता है। कैगो जंक्शन बनता है? दो ठो जंक्शन बनता है। यस, दो जंक्शन बनता है। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन, यानी अभी तक हमने PDF का एक लाइन पढ़ाया है और उसको आपको इतना दूर समझाया है, लेकिन इसको समझने से काफी हद तक आप उस बात को समझने लगेंगे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक तीन लेयर वाला, तीन टर्मिनल वाला और, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब आइए जो बात हम बोले, अब देखिए तेज भागेगा। इट्स थ्री टर्मिनल इज इमीटर, बेस और कलेक्टर, हाँ या ना? इसके तीन टर्मिनल कौन कौन हुए? इमीटर, बेस और कलेक्टर। यस, वेरी गुड, ठीक है। इसके तीन लेयर कौन कौन हुए? एन पी एन और पी एन पी, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया?
थोड़ी देर पहले मैंने बाइपोलर शब्द का मतलब समझाया था, दो तरह के चार्ज कैरियर की भागीदारी। क्या बोले? हाँ, मतलब बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर टेक पार्ट इन कंडक्शन। अंग्रेजी में बोले बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर टेक पार्ट इन, हिंदी में बोल रहे हैं दोनों तरह के चार्ज कैरियरों की भागीदारी। अरे हाँ जी, चलिए पढ़ते हैं। हियर बाइपोलर मीन्स देयर आर बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक पार्ट इन कंडक्शन। कंडक्शन का हिंदी होता है चालन। मतलब बाइपोलर का मतलब यह हुआ कि दो तरह के चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन और होल कहलाएंगे भागीदारी निभाएंगे चालन में। कहाँ? चालन मतलब करंट फ्लो कराने में, इसलिए उसे वैसा, हाँ, चालन उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइपोलर। उसी में हमने आपको एक शब्द फिर बताया था, यूनिपोलर। यूनिपोलर में एक तरह के चार्ज आइदर इलेक्ट्रॉन आइदर, पढ़ के देख लीजिए, इफ ओनली वन चार्ज कैरियर टेक पार्ट इन कंडक्शन दैट Then that device is called unipolar device. क्या बोलते हैं? Unipolar device. तो unipolar और bipolar में tension नहीं, क्योंकि ये शब्द भी आने वाला है। कहाँ? FET में। कहाँ? आने वाले इसके बाद वाले chapter में। आइए, transistor का मतलब समझाए थे, transfer of resistance लिख के बताए थे कैसे होता है। Yes. तो यहाँ तक अब रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले का वीडियो बन रहा है, एक वीडियो में इतना ही रहेगा। इतना तो समझे, नोट्स कीजिए और उसके बाद बनाइए। कहाँ दिक्कत होती है, अब दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर।